हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिटफाट होंगे। ये देखिए, ये लोग पानी भी खेल रहे हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सनलाइट के बारे में कि गिनी पिग्स के लिए धूप अच्छी है या नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास गिनी पिग्स थे और उसने उसको नहलाया था। नहलाने के बाद जब वो सूख उख गए थे, वो खेल रहे थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार इनको सनलाइट दिखा दी जाए ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाए और इनको सर्दी ना लगे। तो उसने फिर जब सनलाइट में इनको रखा तो उसके बाद काफ़ी बुरा हाल हो गया गिनी पिग्स का। तो देखिए होता क्या है, गिनी पिग एक ऐसे जीव है जो कि इनका खुद का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है और इनका जो ये कोल्ड ब्लडेड नहीं है, यानी कि ठंडे खून वाले, जिससे कि इनको धूप में जाने पे या फिर किसी गर्म टेम्परेचर में रहने पे ये लोग खुद को हैप्पी फील कर सकें। अगर हम देखिए लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि इस वक्त ये लोग आपस में थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकाल रहे हैं, आप लोग शायद सुन सकें। और ब्राउनी को क्या है, शांत एकदम केज का माहौल चाहिए। और इस समय वीडियो बना रहा हूँ तो सबको बात करनी है आपस में, पैरट्स हो गए, गिनी पिग्स हो गए, सभी को आपस में बात करनी है। तो ये अक्सर होता है ऐसा कि ये लोग आपस में बात करने लगते हैं, जो कि ब्राउनी को अच्छा नहीं लगता। तो बैक टू द पॉइंट, हम लोग वापस चलते हैं धूप के बारे में। तो देखिए, धूप गिनी पिग्स के लिए एक तरीके से बहुत जानलेवा है। इतनी जानलेवा है कि अगर आपने बाय मिस्टेक ये सोचा कि मैं रैबिट्स की तरह नहला के इनको धूप में थोड़ी देर के लिए रख दूं ताकि ये लोग थोड़ा सा सनलाइट पाके, इनमें विटामिन डी आ जाए या फिर इनको ठंडी ना लगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कभी भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर गिनी पिग्स को आपने धूप में रखा तो बहुत जल्दी इनकी जो बॉडी है वो धूप की हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से फिर ये लोग काफ़ी जल्दी वीक पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि गिनी पिग को लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, सर्दियों के सीज़न की बात अलग होती है कि हमने इनको आधा एक आध घंटा सनलाइट दिखा के हटा दी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर वैसे ही ठंडा है। और प्लस जब वो जो धूप होती है, वो धूप बहुत अलग होती है नॉर्मल धूप के मुकाबले, क्योंकि उस धूप में आपको हीटनेस, ह्यूमिडिटी ये सब महसूस नहीं होगी। उसकी जो वार्म हीटनेस होगी, यानी कि बहुत गुनगुना सी गर्माहट जो उसकी होती है, बहुत बारीक सी गर्माहट, जो कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छी राहत देती है। और अगर हम ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो भले ही हमें काफ़ी गर्म लगता हो, तो उसकी गर्माहट बहुत अलग होती है। और ये जो नॉर्मल धूप होती है गर्मियों वाली, इसमें तो कभी नहीं रखना चाहिए। और बाय चांस आपके पास गिनी पिग्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनको घर में रखिए, कमरे में रखिए, फ़ैन चालू रखिए, क्योंकि गर्मी का मौसम भी ज़्यादा लंबा होता नहीं है। गर्मी जाने के बाद ये ह्यूमिडिटी वाले में तो आराम से रह लेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो कि सर्दियों वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है, उसमें तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा से ढक के इसको रखना पड़ेगा। कपड़े से ढकने के बाद ये बहुत आराम से अपनी ही एक दुनिया बना लेते हैं अंदर, तो इनको जगह कम भी पड़ती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस टाइम। तो देखिए, अब कई लोग ऐसे हैं जो सनलाइट के बहुत दीवाने हैं और अपने बाकी पेट्स को रखते हैं और सोच रहे हैं गिनी पिग्स के लिए। तो देखिए, आप अगर नहला के सनलाइट के बारे में सोच रहे हैं तो फिर इनको सुखाएंगे कैसे, या फिर क्या होगा, विटामिन डी की कमी ना हो जाए। विटामिन डी की कमी इतनी जल्दी होती नहीं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है और इनका जो इम्यून सिस्टम है, इनका डाइजेशन सिस्टम है, ये इस हिसाब से होता है कि अगर हम इनको कोई भी फूड या फिर इनकी जो बॉडी है, इनका जो इम्यून सिस्टम, इनका डाइजेशन सिस्टम इस हिसाब का है कि अगर हम इनको कोई भी फूड खिलाते हैं तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये जो भी इनके शरीर में कमी होती है, ये उस हिसाब से उसमें से अपनी एनर्जी जो भी चाहिए होता है वो अपने हिसाब से एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी उसको पूरा कर लेती है। और सनलाइट की बात रही तो मेरे हिसाब से सनलाइट में ना रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सनलाइट कभी कभी गिनी पिग्स के लिए जानलेवा हो जाती है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।